एक ट्रेन हम लोग और देने वाले हैं मयूराक्षी एक्सप्रेस, तो एक ट्रेन फिर से कलकत्ता के लिए उसके पास मिले, नहीं तो। तो गाइस जैसा कि आप लोगों को वीडियो से जानकारी मिल ही चुका होगा कि बहुत जल्द गोड्डा से हमारा मीनाक्षी एक्सप्रेस चलने वाला है, लेकिन अभी एक पंगा हो चुका है जिसके कारण मैं पूरा अपडेट आपको दे नहीं पा रहा हूँ। तो जैसे ही वो अपडेट आएगा गाइस मैं उस पर वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुँचाऊँगा। तो गाइस यदि वो अपडेट आप जानना चाहते हैं तो गाइस मैं वो अपडेट के बारे में बता देना चाहता हूँ। तो वीडियो शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लें क्योंकि इस चैनल पर मैं गोड्डा से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। तो चलिए गाइस फटाफट आपको मैं बताता हूँ कि मीनाक्षी एक्सप्रेस पे क्या अपडेट आया हुआ है। तो गाइस मैं बता दूँ कि जिस 29 तारीख को गोड्डा से रांची जो ट्रेन रवाना हुई थी, उद्घाटन हुआ था, उसी दिन निशिकांत दुबे जी ने ये भी घोषणा कर दिया था कि बहुत जल्द मीनाक्षी एक्सप्रेस जो कि गोड्डा से कोलकाता चलने वाली है। लेकिन यहाँ पर एक बात आ गई है क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वह ट्रेन दुमका से चले और बहुत लोग चाहते हैं कि यह ट्रेन गोड्डा से चले। यदि गोड्डा से चलता है गाइस तो वह मतलब गोड्डा जिला से लेकर दुमका तक सबको वह लाभ मिलेगा, लेकिन यदि यह दुमका से चालू होता है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस कि लोगों को गोड्डा से दुमका जाना पड़ेगा, फिर दुमका से ट्रेन चेंज करके कोलकाता का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। तो गाइस इस पे अभी बहस चल रही है कि वो ट्रेन कहां से चलेगी, जैसे अपडेट आएगा तो उस अपडेट पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो गाइस मैं बता दूं कि आप लोगों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर ले क्योंकि यहाँ पर एक बात आ गई है क्योंकि बहुत लोग चाहते हैं कि वह ट्रेन दुमका से चले और बहुत लोग चाहते हैं कि यह ट्रेन गोड्डा से चले। यदि गोड्डा से चलता है गाइस तो वह मतलब गोड्डा जिला से लेकर दुमका तक सबको वह लाभ मिलेगा, लेकिन यदि यह दुमका से चालू होता है तो इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाएगी गाइस कि लोगों को गोड्डा से दुमका जाना पड़ेगा, फिर दुमका से ट्रेन चेंज करके कोलकाता का ट्रेन पकड़ना पड़ेगा, तो ये थोड़ा सा पंगा हो जाएगा। तो गाइस इस पर अभी बहस चल रही है कि वह ट्रेन कहाँ से चलेगी, जैसे अपडेट आएगा तो उस अपडेट पे मैं वीडियो बनाऊंगा और आप तक पहुंचाऊंगा। तो गाइस मैं बता दूं कि आप जैसे गाइस आप लोगों को मैं बता दूं कि बहुत जल्द गोड्डा रेलवे स्टेशन में एक और एक्सप्रेस खुलने वाली है और उसका क्या टाइमिंग रहने वाली है, क्या रूट रहने वाली है, अभी इसकी कोई जानकारी नहीं है और वो जैसे ही हमको अपडेट मिलेगा मैं तो जैसे गाइस वो अपडेट आता है तो मैं आपको जानकारी दूंगा कि क्या रूट रहेगा और क्या टाइमिंग रहेगा। तो बहुत जल्द यानी कि गाइस यूँ समझ लीजिए कि लास्ट 2021 का यानी कि लास्ट दिसंबर तक आपका यह ट्रेन गोड्डा से रवाना हो जाएगी। तो गाइस ये बहुत ही खुशी खबरी है कि हमारा दिल्ली के लिए ट्रेन हो गया, रांची के लिए ट्रेन हो गया, अब कोलकाता के लिए भी ट्रेन होगा। गाइस अभी पटना का डिमांड काफ़ी ज़्यादा हो रहा है कि डिमांड पटना के लिए भी ट्रेन चलना चाहिए क्योंकि गाइस अभी हम सफ़र एक्सप्रेस वो भी रूट उसका चेंज हो जाता है, इसके बाद फिर जाके आपका ये जो चला रांची वाली ट्रेन उसका भी रूट की उसे टूट जाता है और कोलकाता तो उधर जाएगी नहीं तो पटना के लिए। तो आप लोग प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि मेरा आज का वीडियो कैसा रहा और गाइस मैं वहाँ का ब्लॉग भी बनाऊंगा जो उद्घाटन होगा, आप लोग घर बैठे भी आनंद ले सकते हैं मेरे वीडियो के माध्यम से। मैंने यूट्यूब पर गाइस कई सारे अपने इस चैनल पर गोड्डा रेलवे स्टेशन और जब से गाइस ट्रेन चलना प्रारंभ हुआ है तब से मैं वहाँ पर अनेक वीडियो मैंने बनाया है और सारा वीडियो में हम बहुत बहुत प्यार मिला आप लोग को, प्रत्येक वीडियो में 10,000-15,000 इस तरह करके व्यू आए हैं। तो गाइस आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ गाइस मैं अपना एंड स्क्रीन में यानी कि लास्ट में वो चार वीडियो आएगा आप लोग वहाँ से वॉच कर सकते हैं और जो वीडियो चार के बाद जो बचेगा वो मैं आई बटन में डाल दूंगा, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। तो चलिए गाइस कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, आप लोग प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, भाई को सपोर्ट कीजिए। तो चलिए कल मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, वीडियो देखने के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।